हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेड पीढ़ी के बारे में। तो जेड सबसे पहले बात करते हैं कि जेड पीढ़ी को ये टर्म किसने दिया है। तो वाइगोत्स्की ने दिए थे। और जेड पीढ़ी का जो फुल फॉर्म होता है वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका एक नंबर में। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है जेड पीढ़ी का फुल फॉर्म। इसके बाद देखिए इसको परिभाषित कैसे किया गया है। जेड पीढ़ी इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विथ और विदाउट सपोर्ट। मतलब एक बच्चा है जो खुद से कर रहा है, और एक वही बच्चा क्या है कि किसी की बिना सपोर्ट के वही कार्य कर रहा है। तो उन दोनों के बीच का जो गैप होगा वही आपका क्या कहलाएगा, जेट पीडी कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, फिर इसका फोल्डिंग क्या होता है, यहाँ पे साइकिल को पकड़ना, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि ये बच्चा है और ये उसके फादर हो सकते हैं। तो क्या करते हैं कि ये पीछे से क्या कर रहा है कि बस उसको पकड़ रखे हैं, सहारा दे रखे हैं, जिससे फिर बच्चा क्या कर रहा है, साइकिल चलाने लगता है, साइकिल सीख लेता है चलाना। वही क्या होता है आपका, इसका फोल्डिंग कहलाता है कि किसी की सहारा ले करके और बच्चा क्या करता है कि वो चीजें सीख लेता है। जैसे देखिए जेड पीढ़ी बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा जेड पीढ़ी कहलाता है। और एमकेओ क्या होता है कि ये जैसे एमकेओ यहाँ पे क्या है, फादर है, यहाँ पे इनको क्या है कि इस चीज में ज्यादा नॉलेज है, वो एक्सपर्ट हैं पहले से ही। तो ये क्या आपका कहलाएंगे, एमकेओ कहलाएंगे, मोर नॉलेज अदर। मतलब इनको क्या है कि साइकिल चलाने के बारे में इनको ज्यादा वो क्या है, एक्सपर्ट है, उसके बारे में ज्यादा ज्ञान है उनको। और बच्चा यहाँ पे क्या है, स्कैफ फोल्डिंग, मतलब ये क्या हो रहा है कि सहारा ले रहा है बच्चा, यहाँ पे ये स्कैफ फोल्डिंग कहलाएगा। आप पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका।